जी विडल हो, आज ऐसा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मुझे शुरू करना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और इसको सीखने के लिए पहले कुछ शब्द हैं जो आपको आने चाहिए, जैसे ऑफर, एक्सेप्टेंस, ऐसे करके। तो अब जरा एक स्टोरी सी बना रही हूँ, सुनिएगा उसको। कि मान लीजिए दो बंदे हैं, ए और बी, और ए जो है वो बी को ऑफर करता है कि मैं तेरे को अपना जो घोड़ा है वो बेचना चाह रहा हूँ। तो एक हो गया ए, एक हो गया हमारा ए, एक हो गया बी, और ए जो है वो इसको बोलता है कि भैया मैं तेरे को अपना जो है घोड़ा जो है वो बेचना चाहता हूँ। और भाई साहब कितने पे बेचना चाहते हैं, बात आती है 50,000 पे। पेमेंट कैसे लेंगे? तो अगला बोलता है जी लमसम लूँगा। और डिलीवरी कहता है मैं तेरे को अगले दिन दे दूँगा। ध्यान से देखा जाए इसमें जो है वो ऑफर कर रहा है बी को। अब वो बोल रहा है कि मैं तेरे को अपना घोड़ा बेचना चाहता हूँ, 50,000 में बेचना चाहता हूँ, पेमेंट तेरे से लमसम लूँगा। डेट भी डिसाइड कर लेता है कि भैया 19 अगस्त को तू पैसे दे रही हो, 20 अगस्त को डिलीवरी ले रही हो। अब अगर आपसे पूछूँ तो आप भी बता दोगे कि जो सारी शर्तें रख रहा है वो कौन हो गया? ये जो कह रहा है मैं अपना घोड़ा बेचना चाहता हूँ वही तो ऑफर कर रहा है ना, तो इसलिए ये कौन हो गया? ऑफरर। अब बात आती है कि बी भाई साहब कौन है हमारे, तो नेचुरल है उनको ऑफर की जा रही है तो उसको बोला जाएगा ऑफरी। आई रिपीट द टर्म, ये जो ए है जो ऑफर दे रहा है उसको क्या बोलेंगे आप? ऑफरर। और बी को क्या बोलेंगे? ऑफरी। अब बात ये आती है कि बी क्या करेगा, या तो उसको उसकी ऑफर पसंद आएगी या उसको उसकी ऑफर पसंद नहीं आएगी। इसका मतलब है वो दो जवाब दे सकता है, असल में तो वो तीन दे सकता है, लेकिन शुरू में हम सीखते हैं कि वो दो जवाब देता है। या तो बोलता है जी चलो ठीक है मुझे आपकी ऑफर मंजूर है, अगर वो ये बोलता है जी मुझे आपकी ऑफर मंजूर है तो हम क्या बोलेंगे जी? वो उसको एक्सेप्टेंस दे रहा है। और अगर वो बोलेंगे जी नहीं मेरे को तो आपकी ऑफर मंजूर नहीं है, नो बोल देता है, सॉरी जी, ऐसा है जी, वैसा है जी, तो फिर हम बोलेंगे जी वो रिजेक्ट कर दी उसने ऑफर, तो हम इसको बोलते हैं रिजेक्शन हो गया ऑफर का। फिर से स्टोरी को दोहराते हैं कि ए इज द ऑफरर, बी इज द, आप कंप्लीट करने की कोशिश करो अपने दिमाग में तो आपको भी समझ आ जाएगा कि ए इज द ऑफरर एंड बी इज द ऑफरी। सारी टर्म्स किसने रखी हैं? ऑफरर ने। यहाँ से एक बात और समझ आ गई कि टर्म्स किसकी होती है? ऑफरर की। बात आती है कितनी टर्म्स रख सकता है भाई साहब, उसकी मर्जी है जितनी भी टर्म्स रखना चाहे। अब बात आती है कि जो बी है वो क्या करेगा, वो या तो हाँ करेगा या ना करेगा। अगर बी ने हाँ कर लिया तो हम उसको बोल देंगे जी वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको हम बोल देंगे एक्सेप्टेंस हो गया। दूसरी ऑप्शन जिसमें बी ने बोला नहीं जी थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी स्टोरी बना देगा और बोलेगा जी मुझे आपकी ऑफर मंजूर नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे कि उसने रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब उसको हम बोलेंगे रिजेक्शन हो गया। अब बात आती है जैसे ही, इसका मतलब है एक हो गया आपका ऑफर, एक हो गया ऑफर और उसको मिल गया एक्सेप्टेंस। अब जैसे ही एक ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया तो अपन बोलेंगे ये बन गया प्रॉमिस। एक नया वर्ड आ गया आपके सामने अब कि जैसे ही एक ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गई, ऑफर किसने दी? ए ने। एक्सेप्टेंस किसने दी? बी ने। ए कौन कहलाया? ऑफरर। बी कौन कहलाया? ऑफरी। ऑफर को जैसे एक्सेप्टेंस मिल गई तो क्या बन गया भाई साहब? प्रॉमिस। अब क्या प्रॉमिस? अगर आप ध्यान से सोचो दो प्रॉमिस आ रहे हैं यहाँ पे, एक एक आ रहा है ए की तरफ से प्रॉमिस, एक आ रहा है बी की तरफ से प्रॉमिस। ए क्या प्रॉमिस कर रहा है? कि मैं तेरे को अपना घोड़ा दूंगा। और बी की तरफ से क्या प्रॉमिस आ रहा ए की तरफ से? और ये हो गया हमारे बी भाई साहब। ए की तरफ से क्या ऑफर जा रही है, क्या प्रॉमिस हो रहा है अगर और अच्छे से बोले कि मैं अपना हॉर्स दूंगा, और बी उसको क्या देगा? 50,000 रुपये।
अगर आप ध्यान से सोचो कि ए अपना प्रॉमिस पूरा करे, बी अपना प्रॉमिस पूरा करे, दोनों की तरफ से प्रॉमिस हो गए, इसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट। फिर से बात करते हैं कि ए ने ऑफर दी, बी ने उसे एक्सेप्ट किया, तो क्या बन गया? प्रॉमिस। अब प्रॉमिस एक नहीं है, प्रॉमिस दोनों तरफ से है। एक ये कि ए प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तेरे को घोड़ा दूंगा, बी प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तेरे को 50,000 रुपये दूंगा। अगर ध्यान से सोचे जो दो प्रॉमिसेस, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? अ सेट ऑफ प्रॉमिस। अब यहाँ पे एक वर्ड है जो आपको सीखना पड़ेगा, और वो वर्ड होता है कंसिडरेशन। देखो स्पेलिंग देखो इसके, कंसिडरेशन। लो है ना बेटा, तो नए नए वर्ड्स आएंगे आपके सामने। अब कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन होता है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न क्या होता है? अगर आप ध्यान से सोचो, ए ने बोला कि मैं तेरे को क्या दूंगा, घोड़ा, तो वो बी की कंसिडरेशन है। इसका मतलब जो हमें बदले में मिल रहा है वो हमारी क्या होती है? कंसिडरेशन। जैसे मार्केट गया, मार्केट में गया, दुकानदार के पास गया, उसको बोला हाँ जी भाई साहब ये पेन कितने का दिया? उसने बोला जी 50 रुपये का। मैं कहा ठीक है जी दे दो आप मुझे ये। अब वो क्या करेगा? मैं अब जेब से पैसे निकालूंगा, लो भाई साहब पैसे लो आप। वो क्या करेगा? वो पेन देगा मुझे। तो अब ध्यान से समझा जाए तो मेरे को क्या मिला? पेन मिला। भाई साहब को क्या मिला? पैसे मिले। तो जो मेरे को मिला वो मेरी कंसिडरेशन, और जो दुकानदार को मिला वो उसकी कंसिडरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए उसको क्या देगा? हॉर्स। तो वो उसका कंसिडरेशन हो गया, क्योंकि कंसिडरेशन क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, तो जो बदले में हमें मिले। अब ए का प्रॉमिस कि हॉर्स देगा वो किसकी कंसिडरेशन? बी की। अब बी का प्रॉमिस कि वो 50,000 रुपये देगा, वो किसकी रिटर्न बन रही है? ए की। तो इसको हम बोलेंगे जी वो ए की कंसिडरेशन है। इसका मतलब है एक लाइन बन सकती है कि ए का प्रॉमिस बी की कंसिडरेशन, बी का प्रॉमिस ए की कंसिडरेशन। और अच्छे से बोले, मेरा प्रॉमिस तेरी कंसिडरेशन, तेरा प्रॉमिस मेरी कंसिडरेशन। इसका मतलब हम दोनों का प्रॉमिस एक दूसरे की कंसिडरेशन। और जब ऐसे होता है तब बोलते हैं एग्रीमेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ, एक शब्द और आता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट की डेफिनेशन देखो क्या होता है। बोलता है अ सिंगल प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग consideration for each other। अब इस इंग्लिश को ध्यान से देखो, a single promise or a set of promises forming consideration for each other। अभी अभी जो मैंने example दिया, A का promise B की consideration, B का promise A की consideration, promise plus promise set of promises, दोनों के promises एक दूसरे के क्या बन रहे हैं? consideration। इसका मतलब अ सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर क्या हो गया? एग्रीमेंट। आप कहोगे मैडम जी ये तो ठीक है, लेकिन आप तो एक सिंगल प्रॉमिस की भी तो बात कर रहे हो। हाँ बात सही है भाई साहब। मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा अ सिंगल प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अब बात आती है कि सिंगल प्रॉमिस भी किसी की कंसिडरेशन बन सकता है, तो हाँ जी क्यों नहीं बन सकता। जैसे एक एग्जाम्पल लो, एक फादर है, वो अपने बेटे को बोलते हैं बेटा मैं हवा में तेरे से बहुत खुश हूँ। क्यों? बेटा भी उसका खुश है, तो मैं तेरी अगले महीने से पॉकेट मनी जो है 500 रुपये से बढ़ाऊंगा। अब बात आती है कि बेटे ने कुछ प्रॉमिस किया? हाँ जी पापा जी मैं 90% लेकर आऊँगा, कुछ नहीं। इसका मतलब है सिर्फ किसकी तरफ से प्रॉमिस हो रहा है? फादर की तरफ से हो रहा है। विषय ये होते हैं कि क्या ये सिंगल प्रॉमिस जो फादर की तरफ से हो रहा है, क्या वो बेटे के लिए कंसिडरेशन बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है भाई साहब। इसका मतलब हुआ एक सिंगल प्रॉमिस भी किसी की कंसिडरेशन बन सकता है। तो क्या डैड ने इसका मतलब है एग्रीमेंट किया? पक्की बात है एग्रीमेंट किया। इसका मतलब एक सिंगल प्रॉमिस भी एग्रीमेंट होता है? बिल्कुल होता है जी, क्योंकि वो किसी की क्या बन रहा होता है? कंसिडरेशन। फिर से सुन ले कि अगर एक बंदा दूसरे को कुछ भी काम करने का प्रॉमिस कर रहा है, तो उस बंदे को कुछ बदले में मिल रहा है, और वो बदले में उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है। इसका मतलब सिंगल प्रॉमिस भी दूसरे की क्या बन रहा है? कंसिडरेशन। इसका मतलब एक सिंगल प्रॉमिस भी एग्रीमेंट है,
और सेट ऑफ प्रॉमिसेस मतलब एक प्रॉमिस मेरी तरफ से एक प्रॉमिस तेरी तरफ से और दोनों के प्रॉमिसेस एक दूसरे के लिए क्या बने कंसिडरेशन, तो फिर वो क्या बन गया एग्रीमेंट। अब हम बिना देखे बात कर सकते हैं डेफिनेशन के बारे में, अगर आपको कुछ समझ आया आप भी मेरे साथ बोल सकते हैं, बिना देखे बोलना नहीं। अ सिंगल प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, यस और नो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, लेकिन उससे पहले ना आपको कुछ वर्ड सीखने पड़ेंगे ताकि वो ऐसा है लॉ है तो वोकैबुलरी आएगी, नए नए वर्ड्स आएंगे, आपकी इंग्लिश बैकग्राउंड कैसी है, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि लीगल टर्म्स हैं जो आपने कभी सीखे ही नहीं है, तो हर दिन हर क्लास में कुछ नए नए शब्द हैं जो आप सीखोगे। इसमें सबसे पहला शब्द आता है बेटा जी टू एनफोर्स, अगर आप ध्यान से देखो द वर्ड इज टू एनफोर्स। मेरी बुक में पेज नंबर 196 पे सारी वोकैबुलरी दी हुई है मैंने, पढ़ोगे तो आनंद आ जाएगा आपको। अब टू एनफोर्स क्या होता है? टू एनफोर्स होता है टू टेक द मैटर टू द कोर्ट ऑफ लॉ। अब एक बंदा जो है अगर वो ए और बी की स्टोरी पे वापस आए, क्या हुआ मान लीजिए ए ने बी से पैसे ले लिए लेकिन उसने उसको हॉर्स नहीं दिया, अब आंसू किसके आ रहे हैं? तो नेचुरली बी के आ रहे हैं। देखो स्टोरी को समझो इसको, कि मान लीजिए ए है आपका और इधर से आ गया आपका बी, अब इसने इसको 50,000 रुपये दे दिए लेकिन इसने इसको हॉर्स नहीं दिया, अब आंसू किसके आ रहे हैं? बड़ा उदास सा बैठा है। मैं भाई साहब क्या हुआ? कहते देखो जी लोग कैसे कैसे होते हैं, बोल रहा था पैसे दे जाना जी अगले दिन हॉर्स आपके पास आ जाएगा, बैठो कोई हॉर्स नहीं है। मैंने कहा पैसे पूरे लेके बैठ गए? कहता हाँ, क्या करें ऐसे ऐसे लोग होते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में पार्टी एट लॉस, मैं आपसे पूछूं कौन है तो आप भी बता दोगे, क्या वर्ड बोला मैंने पार्टी एट लॉस, तो पार्टी एट लॉस कौन है आपके हिसाब से? बी हुआ ना, क्योंकि आंसू किसके आ रहे हैं? बी के आ रहे हैं, इसका मतलब पार्टी एट लॉस कौन हुआ? बी हुआ। तो फिर मैंने उसको क्या बोला, अरे आप टेंशन क्यों लेते हो, आप मामले को कोर्ट ऑफ लॉ लेके चले जाओ। तो अगर वो उसको कोर्ट ऑफ लॉ लेके जा रहा है तो हम बोलेंगे वो क्या कर रहा है जी, वो उसको एनफोर्स कर रहा है। सो द व्हाट इज द वर्ड टू एनफोर्स? टू एनफोर्स मीन्स टू टेक द मैटर टू द कोर्ट ऑफ लॉ, लिख लिया होगा आपने आई होप, नहीं तो फिर से लिख लो इसको एक बार। टू एनफोर्स मीन्स टू टेक द मैटर टू द कोर्ट ऑफ लॉ। फिर एक और वर्ड आता है, द वर्ड इज ऑब्लिगेशन, जो सबको पता होता है ऑब्लिगेशन क्या होता है, ड्यूटी। अब जैसे ए और बी के एग्जाम्पल पे वापस आए, ए ने बोला जी मैं आपको घोड़ा दूंगा, बी ने बोला जी मैं आपको पैसे दूंगा, तो अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक ने ऑफर किया एक ने एक्सेप्टेंस किया, तो प्रॉमिस हो गया। प्रॉमिस एक की तरफ से नहीं है, प्रॉमिस कितने की तरफ से है? दो की तरफ से है। ए का प्रॉमिस कि वो घोड़ा देगा, बी का प्रॉमिस कि वो उसको पैसे देगा, इसका मतलब ये सेट ऑफ प्रॉमिसेस हो गया और ये प्रॉमिस एक दूसरे की क्या बन रहे थे, कंसिडरेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। अच्छा इसका मतलब है एट लास्ट अब ए और बी के बीच में क्या हो गया भाई साहब, एक एग्रीमेंट हो गया जिसमें ए की ऑब्लिगेशन क्या है, ए की ऑब्लिगेशन है कि वो पैसे लेगा तो उसको हॉर्स देगा और बी की ऑब्लिगेशन क्या है कि अगर वो हॉर्स ले रहे हैं तो वो पैसे देगा। फिर से बात कर लेते हैं, समझ आ गया होगा वैसे आपको कि ए की ऑब्लिगेशन क्या है, जो उसकी ड्यूटी बनती है उसकी ड्यूटी क्या है, हॉर्स देना, तो वो उसकी ऑब्लिगेशन हो गई। बी की ड्यूटी क्या है, पैसा देना, तो वो उसकी ऑब्लिगेशन हो गई। विषय ये होता है कि क्या हर एग्रीमेंट में ऑब्लिगेशन अराइज होगी? ऑफकोर्स होगी, क्योंकि जब भी आप प्रॉमिस करोगे तो वो किसी की क्या बनेगा, कंसिडरेशन। ये कंसिडरेशन क्या होता है, सोचो सोचो सोचो, अभी बताया था मैंने कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, इसका मतलब है जो बदले में आपको मिल रहा है वो आपकी क्या है, कंसिडरेशन। ए का प्रॉमिस हॉर्स देना, बी की कंसिडरेशन, इस तरीके से ए का प्रॉमिस बी की कंसिडरेशन, बी का प्रॉमिस ए की कंसिडरेशन, इनके बीच में हो गया एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट में अगर प्रॉब्लम अराइज हुई, किसी के भी आंसू आए, क्यों भाई साहब उसका तो काम नहीं हो रहा है, तो फिर वो कोर्ट ऑफ लॉ जा सकता है और जब वो कोर्ट ऑफ लॉ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे जी, वो एनफोर्स कर रहा है। ध्यान तो सोचो फिर से मैंने क्या बोला, कि वो एनफोर्स कर रहा है। तो ये वर्ड अगर आपको आएगा तभी आप हैंडल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे आगे की स्टोरी। आगे बढ़ते हैं, अब मान लीजिए अब हमारा जो नेक्स्ट विषय है वो है टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। ध्यान से देखो तीन तरह के एग्रीमेंट होते हैं अगर प्रैक्टिकली बात की जाए, टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। आसान लग रहा है? बहुत आसान है, पढ़ाई से आसान कुछ नहीं होता, सच्ची बता रही हूँ मैं आपको। एक होता है जी आपका सोशल एग्रीमेंट,
एक होता है जी आपका डोमेस्टिक एग्रीमेंट, एक होता है जी आपका लीगल एग्रीमेंट। अब विषय ये होता है कि जी सोशल एग्रीमेंट क्या होता है। सोशल हो गया जी सोसाइटी, रटते थोड़ी ना शब्दों को, शब्दों को सोचते हैं। सोशल शब्द किससे बना? सोसाइटी से बना है। इसमें सोसाइटी में जब दो बंदे एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रॉमिस कहाँ से आ गया? क्योंकि अभी भी मैंने सिखाया था प्रॉमिस प्लस प्रॉमिसेस एग्रीमेंट। इसका मतलब है जब सोसाइटी में दो बंदे एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं तो उसी को बस क्या बोलते हैं? सोशल एग्रीमेंट। एग्जाम्पल जैसे दो फ्रेंड है ना, सोचिए ध्यान से, मजेदार है। एक दोस्त बोलता है दूसरे दोस्त को, भाई साहब कल ना तू मेरे फ्रेंड को बोलता है कि तू ना कल मेरे घर आयो शाम को 5 बजे, अपन पार्टी करेंगे। भी कहता है क्या हो गया यार इसको, इसको पार्टी की कहाँ से सोची? कहता सही सही कह रहा है। कहता हाँ यार सही कह रहा हूँ, तू कल आइयो शाम को 5 बजे। अब विषय होता है कि ये समाज के दो बंदों के बीच में हो रहा है, तो फिर ये कौन सा एग्रीमेंट हो गया? सोशल एग्रीमेंट। अब अगले दिन क्या होगा? मान लो वो भी जो है बड़ा स्मार्ट सा बन के गया, भैया घर पे सब होते हैं, जरा इंप्रेशन पड़ना चाहिए, मम्मा में भी अच्छे से, ये अच्छा दोस्त है, अच्छे स्मार्ट मूड बन के गया, पता चला घर पे ताला लगा हो। मैं आपसे पूछूँ, आप बता दोगे कि क्या अगले के जब आंसू है यार मैं पागल बन गया, बेवकूफ बन गया, तो क्या वो कोर्ट ऑफ लॉ जा सकता है? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि कौन सा एग्रीमेंट है भाई साहब? सोशल एग्रीमेंट है। इसका मतलब है सोशल एग्रीमेंट को आप कोर्ट ऑफ लॉ लेके नहीं जा सकते। आप कोर्ट ऑफ लॉ लेके नहीं जा सकते, इसका क्या मतलब है? आप उसको एनफोर्स नहीं कर सकते। आप उसको एनफोर्स नहीं कर सकते, इसका आप कैसे बोल सकते हो कि ये अन एनफोर्सेबल है? रखना क्या है? सो सिंपल। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि जो सोशल एग्रीमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? अन एनफोर्सेबल माइंड सेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोशल एग्रीमेंट है ये क्या होते हैं? अन एनफोर्सेबल। अब बात आती है डोमेस्टिक एग्रीमेंट क्या होता है। वही पापा और बेटे की स्टोरी। पापा ने क्या बोला था? बेटा मैं बड़ा खुश हूँ तेरे से, पॉकेट मनी बढ़ा रहा हूँ तेरी। अगले महीने से पॉकेट मनी में 500 रुपये का बढ़ावा होना था। बेटा तो अंदर से गदगद हो रहा था कि भाई साहब डैडी का तो एग्रीमेंट हो गया। अब अगला महीना आया, पहला दिन भी आया, ब्रेकफास्ट का टाइम भी आया, डाइनिंग टेबल पर सब आए, पापा भी आए तो बेटा भी आए, खाना भी खाया, ब्रेकफास्ट भी लिया, पॉकेट मनी नहीं आई बढ़ के, पापा तो जाने भी लग रहे। बेटा क्या बोला? पापा वो आपने एग्रीमेंट किया था। कहते कौन सा एग्रीमेंट? जाने थे देर हो रही है, अपना चुपचाप निकल गए। अब किसके आंसू आ रहे हैं? बेटे के। क्या वो कोर्ट ऑफ लॉ जा सकता है? जब सब देखिए मेरे पापा ने कहा था पॉकेट मनी बढ़ाएंगे ना, मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूँ, पॉकेट मनी के नाम पे 1 रुपया नहीं बढ़ाया मेरा। आप अगर सोचोगे तो आप भी बता दोगे कि क्या वो जो बेटा है जिसकी पॉकेट मनी नहीं बढ़ी, क्या वो कोर्ट ऑफ लॉ जा सकता है? आंसर इज नो। इसका मतलब है जो आपका डोमेस्टिक एग्रीमेंट है वो भी क्या है? अनएनफोर्सेबल। तो अब मैं आपसे पूछूं, आप बता दोगे जी सोशल एग्रीमेंट क्या होता है? सोसाइटी में जो होता है। डोमेस्टिक एग्रीमेंट क्या होता है? फैमिली। अच्छा, इसका मतलब है फैमिली में जैसे एक ब्रदर ने दूसरे ब्रदर को कहा भाई बेटा होमवर्क, बोले मैं करूँगा तेरा होमवर्क, फिर उसने होमवर्क नहीं किया तो क्या अगला कोर्ट ऑफ लॉ चला जाएगा? वो चांस ही नहीं। इसका मतलब है जब भी हम फैमिली रिलेशंस ये सब में आपस में कोई भी एक दूसरे को प्रॉमिस कर देते हैं तो फिर वो डोमेस्टिक हैं और उनको लेके आप कोर्ट ऑफ लॉ नहीं जा सकते। क्यों? कानून ऐसा बोलता है, बात खत्म। सोशल एग्रीमेंट का एक और एग्जाम्पल ले आया, ध्यान से सुन। एक ना बंदा जो है कहाँ मंदिर जी जाता है, मंदिर जी समझते हैं आप, टेम्पल, वहाँ जाता है और कहता है पुजारी जी को, पुजारी जी आप मंदिर जी की रिपेयर कराओ, मैं आपको वादा करता हूँ मैं आपको 50,000 रुपये का दाम दूंगा। पुजारी जी बड़े खुश हो जाते हैं। मैं आपसे पूछूं कि पुजारी जी ने कुछ कहा था कि मैं हवन करूँगा? कुछ नहीं कहा था। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ किसकी तरफ से प्रॉमिस है? उस बंदे की तरफ से जो दान देने के मूड में आया और जाके पुजारी जी को बोल भी आया, पुजारी जी आप रिपेयर कराओ जी मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा, सिंगल प्रॉमिस हो गया। लेकिन वो पंडित जी की कंसिडरेशन बन रहा है, इसलिए ये भी क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट की डेफिनेशन को फिर से याद करो, क्या था? अ सिंगल प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, याद आया? और यहाँ पे उसका प्रॉमिस पंडित जी को कि जी मैं आपको पैसे दूंगा, दान दक्षिणा करूंगा, लेकिन पंडित जी ने बदले में कोई प्रॉमिस नहीं किया। बात ये नहीं हो रही है कि सिंगल है या सेट ऑफ प्रॉमिसेस है, बात ये हो रही है कि कौन सा एग्रीमेंट है। तो आंसर है सोशल।
क्यों? क्योंकि सोसाइटी का ही मामला है, टेम्पल तो जो है सोसाइटी का पार्ट होता है. अच्छा अब समझ आया, ओके. इसका मतलब है तीन टाइप ऑफ एग्रीमेंट होते हैं, जिसमें सोशल क्लियर हो गया कि समाज के लोग आपस में एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं, डोमेस्टिक क्लियर हो गया फैमिली में कोई आपस में, जैसे फादर सन, ब्रदर ब्रदर, ब्रदर सिस्टर, मॉम डॉटर, कोई भी ऐसा आपस में एग्रीमेंट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक. और दोनों की खास बात है कि जिसके आंसू आ रहे हैं वो पार्टी एट लॉस कोर्ट ऑफ लॉ नहीं जा सकता. इसका मतलब है टेक्निकल टर्म्स में बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे अनएनफोर्सेबल. अब बात आती है, मैं आपसे पूछूं आप बता दोगे, वो जो ए और बी के बीच में घोड़े की बात हुई थी कि ए ने कहा जी मैं आपको घोड़ा दूंगा, बी ने कहा जी मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, ये कौन सा एग्रीमेंट है ना? अभी रुक जाओ, सुनो पहले स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं. मान लीजिए उसने 50,000 रुपए दे दिए जो पीछे मैंने बात करी, और अगले ने उसको घोड़ा नहीं दिया, तो आंसू किसके आ रहे हैं? बी के आ रहे. मैं आपसे पूछूं क्या वो कोर्ट ऑफ लॉ जा सकता है? तो आप कहेंगे यस जा सकता है. इसका मतलब है मार्केट में किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की अगर सेल परचेज या डिलीवरी की बात हो रही है तो ये कौन से एग्रीमेंट होते हैं? लीगल एग्रीमेंट होते हैं, और इनको हम कोर्ट ऑफ लॉ लेके जा सकते हैं. इसका मतलब एक बात खास क्लियर हो गई आपको कि जो आपके लीगल एग्रीमेंट्स हैं ये क्या होते हैं? तो आंसर आता है ये होते हैं आपके अनएनफोर्सेबल. ये कौन से होते हैं? एनफोर्सेबल. इसका मतलब एनफोर्सेबल मतलब इनको हम एनफोर्स कर सकते हैं. रटा मत करो शब्दों को, देखा करो ध्यान से. एनफोर्स प्लस एबल. एनफोर्स मतलब कोर्ट ऑफ लॉ लेके जाना, एबल मतलब के लायक. तो एनफोर्सेबल इसका मतलब है कोर्ट ऑफ लॉ ले जाने के लायक. रटने का क्या? इट्स सो सिंपल, यू नो, अंग्रेजी भाषा इज द मोस्ट सिंपल भाषा. ये तो ऐसे ही बोलते बोलते सुनते सुनते याद आती है, और स्पेलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप शब्दों को ध्यान से देखें आपको समझ आ जाएगा एनफोर्सेबल. आप ऐसे बोलोगे तो आपको स्पेलिंग भी याद हो जाएगी. इसको बोलते हैं सिलेबस. किसी भी वर्ड को लर्न करना है, स्पेलिंग बहुत अच्छे स्कूल से आई सब फिर भी स्पेलिंग मिस्टेक करता है क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, वो ध्यान से देखता ही नहीं है. खूबसूरत सी आंखें दी हैं भगवान जी ने, इस्तेमाल हो ही नहीं रहा उसका. तो आप ध्यान से देखिए एनफोर्सेबल, यहाँ से क्या वर्ड बना? एनफोर्सेबल. फिर एनफोर्स का मतलब मैंने अभी सिखाया था आपको कि मामले को आप कहाँ लेके जा रहे हैं? कोर्ट ऑफ लॉ. तो एनफोर्सेबल का क्या मतलब हो जाएगा फिर से बात करें तो? कोर्ट ऑफ लॉ लेने ले जाने लायक. और लीगल एग्रीमेंट्स कैसे होते हैं अभी भी मैंने बताया, एनफोर्सेबल. फिर से बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट तीन, एक सोशल, एक डोमेस्टिक, एक लीगल. कौन से अनएनफोर्सेबल है? तो आंसर आता है एक सोशल और एक डोमेस्टिक. और लीगल क्या है जी? वो एनफोर्सेबल है. और खास बात, ये जो आपके एनफोर्सेबल होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. फील करो इस बात को, 1872, 19th सेंचुरी का लॉ. व्हाट अ ब्यूटीफुल लॉ. इतना पुराना कानून आज 2014 में आप पढ़ रहे हो. वो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट शब्द है वो अब समझाया होगा कि एक ऐसा लीगल एग्रीमेंट जिसको हम कोर्ट ऑफ लॉ लेके जा सकते हैं, बस उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट. इसका मतलब है जो सोशल एग्रीमेंट है, जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट बना क्या? तो आंसर है नो. बात आती है क्यों नहीं बना? क्योंकि वो कैसा है? अनएनफोर्सेबल. तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसा एग्रीमेंट जिसको हम एनफोर्स कर सकते हैं. इसका मतलब ये हुआ, एक और इक्वेशन बन गई हमारी, और वो इक्वेशन क्या बनी बेटा जी? वो बनी कि एक एग्रीमेंट में अगर आप एक एग्रीमेंट में अगर आप लीगैलिटी लेके आ जाओ, लीगैलिटी को मैं एक और शब्द दे सकती हूं एनफोर्सेबिलिटी. जब एग्रीमेंट में लीगैलिटी आ गई या एनफोर्सेबिलिटी आ गई तो इसी को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट. अब देखो, तो आज की डेट में मैंने आपको तीन इक्वेशन सिखाई हैं. सोचो सबसे पहले क्या सिखाई थी? ए ने ऑफर दी थी तो ए कौन था ऑफरर, बी को ऑफर दी थी तो वो कौन था ऑफरी. फिर ऑफरी दो काम कर सकता है, या तो हाँ करेगा या ना करेगा. जब उसने हाँ किया तो क्या बोला था मैंने उसको? एक्सेप्टेंस. तो जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होगी तो क्या बन गया? सोचो प्रॉमिस.
कितने प्रॉमिसेस बने थे ए और बी के बीच में? दो, एक प्रॉमिस ए की तरफ से, एक प्रॉमिस बी की तरफ से। ए की तरफ से क्या प्रॉमिस था कि वो हॉर्स देगा, बी की तरफ से क्या प्रॉमिस था कि वो 50,000 रुपये देगा। प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस क्या बना? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की डेफिनेशन फिर मैंने बताई वो क्या थी, अ सिंगल प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर मेन कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। फिर मैंने बताया कंसिडरेशन क्या होता है, सोचो सोचो, क्विड प्रो क्यो, दैट मीन्स समथिंग इन रिटर्न। तो मेरा प्रॉमिस तेरी कंसिडरेशन, ये और अच्छे से बोले, ए का प्रॉमिस बी की कंसिडरेशन की वो घोड़ा देगा, बी का प्रॉमिस ए की कंसिडरेशन की वो 50,000 रुपये देगा, वो उसको मिलेगा। तो जो भी हमें बदले में मिल रहा है वो हमारी क्या होती है, कंसिडरेशन। तो आपन ने क्या बोला कि जब सिंगल प्रॉमिस हो या सेट ऑफ प्रॉमिसेस हो जो एक दूसरे के लिए क्या बने, कंसिडरेशन, तो उसी को क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। नेक्स्ट टॉक आई टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, जिसमें हमने पढ़ा तीन टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट होते हैं, एक होता है सोशल, एक होता है डोमेस्टिक और एक होता है लीगल। सोशल क्या होता है, रुकने का नहीं है, सोचने का है, सोसाइटी में जितने भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। डोमेस्टिक क्या होता है, जितने भी फैमिली में एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। और लीगल, भाई साहब मार्केट में आ जाओ, कोई भी चीज़ की सेल परचेज समझो, बोले तो लीगल। फिर विषय उठा फर्क क्या है, फर्क ये है कि सोशल और डोमेस्टिक को आप कोर्ट ऑफ लॉ लेके नहीं जा सकते हो, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, अनएनफोर्सेबल। और जो लीगल है उसको आप कोर्ट ऑफ लॉ लेके जा सकते हो, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एनफोर्सेबल। फिर सबसे ब्यूटीफुल वर्ड जो आज हमने सीखना स्टार्ट किया वो है कॉन्ट्रैक्ट। और सिर्फ लीगल एग्रीमेंट्स को ही क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। इस कदर हमारी थर्ड इक्वेशन बनी, एग्रीमेंट प्लस लीगैलिटी ओब्लिक एनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से एक बात समझ आ गई कि एक शब्द के एक मीनिंग के दो शब्द हैं, एक लीगैलिटी और उसी को क्या बोल सकते हैं अपन, एनफोर्सेबल या एनफोर्सेबिलिटी। तो लीगैलिटी एनफोर्सेबिलिटी दोनों क्या है, सेम। और एग्रीमेंट में लीगैलिटी आते ही वो एग्रीमेंट क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है मैं आपसे पूछूं, आप बता दोगे कि जो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं? सोचो, आई रिपीट द क्वेश्चन, कि जो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वही बनता है जिसमें एनफोर्सेबिलिटी आती है, और एनफोर्सेबिलिटी सिर्फ कौन से एग्रीमेंट में आ रही है, तो वो लीगल में आ रही है। इसका मतलब है वो दोस्त कोर्ट ऑफ लॉ नहीं जा सकता था, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसका मतलब वो सिर्फ एग्रीमेंट बना, एग्रीमेंट ही रह गया, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी बन ही नहीं पाया। सोचिए, लेकिन पॉइंट ये आता है कि क्या हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है? तो ऑफकोर्स, क्योंकि पहले वो एग्रीमेंट था तभी तो वो क्या बना, कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट कब बना, जब उसमें लीगैलिटी आई। इसका मतलब ये हुआ, हम एक लाइन बोल सकते हैं, एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ट्रू और फॉल्स? सोचो, आई रिपीट द क्वेश्चन, एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ट्रू और फॉल्स? तो आंसर इज फॉल्स, बिकॉज सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आर जस्ट एग्रीमेंट्स, दे नेवर बिकम कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या आपका आंसर ठीक था? मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक था, हाँ या ना? फिर बात आती है, मैं एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, ट्रू और फॉल्स? सीपीटी में या कोई भी टिक 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 का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आंसर करना होता है। तो सोचो सोचो, बहुत ही क्लियर होते हैं ऐसे। आई रिपीट द क्वेश्चन, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, ट्रू और फॉल्स? द आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब पहले वो क्या होता है, एग्रीमेंट। फिर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब उसमें क्या आती है, लीगैलिटी। इसका मतलब हुआ असली बात है लीगैलिटी, और लीगैलिटी क्या होता है, एनफोर्सेबिलिटी, और एनफोर्सेबिलिटी क्या होता है, मुद्दे को कोर्ट ऑफ लॉ लेके जाना। जैसे भी भाई साहब के आंसू आ रहे थे, अब वो क्या करेंगे, कोर्ट ऑफ लॉ जाएंगे और क्या बोलेंगे, जो सब देखो सबूत देना पड़ेगा। वो विषय अलग है कि कैसे सबूत दे रहे हैं, क्या हो रहा है। असली बात यह है कि वो भाई साहब सबूत देंगे कि देखिए जज साहब, क्या हाल हो रखा है मेरा, मैंने 50,000 दे दिए, घोड़ा मेरे तक नहीं आया। फिर वो आगे जैसा देखेंगे क्या डिसीजन उन्होंने देना है, उस विषय पर अभी हम नहीं बात कर रहे हैं। छोटी सी बात है कि क्या ये मामले को कोर्ट ऑफ लॉ लेके जाया जा सकता है? तो आंसर इज यस। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।